नमस्कार, एमए प्रथम सेमेस्टर हिंदी के पूरे प्रदेश के सारे छात्रों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। आज मैं डॉक्टर अनिमा खरे, प्राध्यापक हिंदी शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय भोपाल से आज आपको आपके प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य तथा उसका इतिहास, इसमें निर्धारित कबीर दास जी के ऊपर अपना व्याख्यान देने जा रही हूँ। वस्तुतः कबीर दास एक साधक, समाज सुधारक, उपदेशक, भक्त कवि हैं और उनका काव्य बहुत विशद और विस्तृत है। मैंने अपने व्याख्यान में उनके इन सभी रूपों को सहेजने का प्रयास किया है। किसी भी साहित्यकार पर उसके समय का और समाज का बहुत प्रगाढ़ प्रभाव होता है, तो संकेत रूप में उनके जीवन और युगीन परिस्थितियों पर भी प्रकाश डाला गया है। आपके पाठ्यक्रम में डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग, विरह को अंग, ज्ञान विरह को अंग और पर्चा को अंग, इनमें से प्रारंभिक 10-10 साखियां आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। तो काव्यगत विशेषताओं को पढ़ते समय इन साखियों में से कुछ उदाहरण के रूप में आएंगी, इनको भी मैंने उसमें संकलित किया है। तो आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है और मैं अब अपना व्याख्यान प्रारंभ करती हूँ। तो सबसे पहले हम कबीर दास जी के जीवन वृत्त के बारे में जानते हैं। इनका जन्म संवत 1455 को वाराणसी में हुआ और निधन संवत 1575 को मगहर में मानते हैं। कबीरदास हम सभी के लिए बहुत परिचित नाम है और इनके जन्म के विषय में जो किंवदंतियां प्रचलित हैं उनसे हम परिचित हैं। एक बार मैं पुनः बता देती हूँ कि बनारस में एक ऐसा माना जाता है कि बनारस में एक हिंदू विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से कबीरदास जी का जन्म हुआ। लोकलाज के भय से उन्होंने उनको लहर तारा तालाब के किनारे छोड़ दिया। संयोग से बनारस में ही रहने वाले नीरू और नीमा नाम के जुलाहे नेहसंतात दंपति को कबीरदास जी मिले और उन्होंने अत्यंत स्नेह से इनका पालन पोषण किया। तो इनके जन्म में ही जो दो चीजें हमको दिखाई देती हैं, इनसे कबीर का व्यक्तित्व कैसा बनता है ये आगे चलकर हमको पता चलता है। इनके जन्म के संबंध में दो दोहे हैं जो सामने दिखाई दे रहे हैं। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाट थे, जेठ सुदे बरसायत की पूरन मासी तिथि प्रकट भये। तो इसमें उनके जन्म का समय हम देख पा रहे हैं। घन गर्जे दामिनी दमके, बूंदे बरसे झर लाग गई, लहर तालाब में कमल खिले, तह कबीर भानु प्रकट भये। तो लहर तारा तालाब के किनारे वो मिले, वो भी प्रसंग इसमें हमको दिखाई दे रहा है। इन परिस्थितियों में जन्म लेने वाला बालक आगे चलकर क्रांतिकारी, युग दृष्टा, युग परिवर्तनकारी, संत साधक व उपदेशक होगा, ये नियति को ज्ञात था। हालांकि जब इनके माता पिता ने इनका नाम कबीर रखा तो शायद इनके व्यक्तित्व की पृष्ठभूमि उन्होंने तैयार कर दी थी। कबीर गृहस्थ थे, उनकी पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था। वैसे तो ये बहुत थक्कड़ अवधूत थे, लेकिन परिवार के भरण पोषण के लिए और साधु संतों के स्वागत के लिए धनोपार्जन हेतु वे अपने पैतृक व्यवसाय कपड़ा बुनने का कार्य करते थे। वो कहते हैं खुद ही, जाते जुलाहा मति को धीर, हरषि हरषि गुण रमे कबीर। इससे जुड़े अनेक प्रतीक उनकी रचनाओं में मिलते हैं। कबीर अत्यंत निर्भीक और प्रखर भाव से जीवन भर अपने समय और समाज में व्याप्त कुरीतियों, धार्मिक आडंबरों और बाह्याचारों का विरोध करते रहे। वे अत्यंत साहसी और विद्रोही थे। न तो वे अपने समय के योगियों से प्रभावित हुए, न ही उनसे आहत हुए और न ही सूफियों के मत में वे शामिल हुए। अब उतने कठिन समय में, भक्ति काल का जो समय था वो बहुत कठिन था, ये हम सभी ने इतिहास में तो कहीं ना कहीं पढ़ाई है। तो अतः बनारस में उनके अनेक विरोधी हो गए थे, अंत समय में वे मगहर चले गए थे। ऐसा माना जाता है कि बनारस में मृत्यु होने पर सीधे मोक्ष मिलता है क्योंकि वो शिव की नगरी है, और मगहर में मृत्यु होने पर नर्क मिलता है। लेकिन कबीरदास अपने सिद्धांतों तथा अपनी भक्ति पर उनको अगाध विश्वास था और इसलिए वे अंत समय मगहर चले गए। और वो खुद कहते हैं, जन्म जन्म शिवपुरी गवायो, मरती बार मगहर उठी धायो।
का काशी का मगर ऊसर हृदय राम बस मोरा, जो काशी तन तजही सरी कबीरा राम ही कौन निहोरा। तो नीचे आप जो ये चित्र में देख रहे हैं ये मगहर में उनके समाधि स्थल है जहां उनका निधन हुआ और उनकी समाधि बनाई गई। शिक्षा दीक्षा और गुरु, कबीरदास जी औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं थे, वे स्वयं कहते हैं मसी कागज छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ, चारियों जग को महात्म मुख ही बताई बात। इस अज्ञान रूपी अंधकार से घिरे माया जगत में कबीरदास जी गुरु का सहारा सर्वोपरि मानते हैं और कहते हैं कि सदगुरु ही हमें इस भवजाल से बाहर कर ईश या प्रभु से मिलाते हैं। उन्होंने स्वामी रामानंद का, जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति के अलख जगाई थी, शिष्यत्व ग्रहण किया था। उनके दोहे में इसका संदर्भ मिलता है, कबीर गुरु बनारसी सिख समंदर तीर, बिसारिया नहीं बिसरे जे गुण होए शरीर। और कहते हैं काशी में हम प्रगट भये हैं रामानंद चेताया। कबीर की रचनाएं उनके मुख से निसृत हुई, साधु संतों की संगत में वो रहते थे और भाव विभल होकर उनकी रचनाएं उनकी बानियां उनके मुख से निकलती थी। शिष्यों ने उनके आगे चलकर इनको लिपिबद्ध किया और अनेक अध्ययन किए गए उसके पश्चात, क्योंकि ये मुखामुख लोगों तक आती गई हस्तांतरित होती गई, तो बहुत अध्ययन के पश्चात इनकी मौलिक रचनाओं के ग्रंथ संकलन निम्न ग्रंथों में माने जाते हैं। कबीर ग्रंथावली संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बीजक इसके संकलनकर्ता धर्मदास हैं जो इनके शिष्य थे, और क्रमशः अनेक लोगों ने इसको संकलित किया, जिसमें एक विश्वनाथ प्रसाद जी का संकलन बहुत प्रसिद्ध है और वर्तमान में अभिलाष दास जी का बीजक हमको मिलता है। आदि ग्रंथ के पद, ये पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित थे, संत कबीर संपादक डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और कबीर के पद आचार्य क्षिति मोहन सेन, ये इनकी पुस्तकों के कवर है, बीजक और कबीर ग्रंथावली आप देख सकते हैं। इनकी रचनाओं के प्रकार बताए गए हैं साखी सबद रमैनी। साखी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार साखी का अर्थ है साक्षी, अर्थात ये वाक्य मानो गुरु के उपदेशों का प्रत्यक्ष रूप है। ये सीख उपदेश और विश्वास भी हो सकते हैं, ये दोहे रूप में रचित हैं। सबद ये गे पदों में रचनाएं हैं, रमैनी ये चौपाई रूप में रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त कबीरदास जी ने अपने समय में प्रचलित लगभग सभी काव्य रूपों का प्रयोग किया है, जिसमें ज्ञान चौंतीसा, तो ज्ञान चौंतीसा वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर से पद शुरू करते हैं। विप्रमतीसी, कहरा, बसंत, चाचर, बेली, बिरहुली, बिरहुली सर्प के विष को उतारने वाला गान है, हिंडोला, ये सारे काव्य रूप बीजक में संकलित है और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इनकी रचनाओं को अंगों में बांटा है। आपके पाठ्यक्रम में आप इसको अगर देखेंगे तो वहां पर आपको अंग मिलेंगे। हमने जैसा कहा कि कबीर का समय बहुत कठिन था और ऐसे समय में कबीर जैसा एक विद्रोही कवि, एक युगांतर कवि हमारे सामने आता है। इन परिस्थितियों पर हम संक्षेप में दृष्टि डालते हैं। राजनीतिक, तो कबीर के आविर्भाव के समय देश में आंतरिक व बाह्य राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी। कोई भी शासक जनता का सहृदय रक्षक नहीं था, अतः जनता भयग्रस्त, निराश और हताश थी। धार्मिक अवस्था भी शोचनीय थी। उस समय भारत में प्रचलित लगभग सभी संप्रदाय, आप शायद इन सबका अर्थ जानते होंगे जिनके नाम हम ले रहे हैं, फिर भी हम इनको थोड़ा सा बताते चलते हैं। शैव, जो शिव के उपासक होते हैं, शाक्त, जो शक्ति की उपासना करते हैं अर्थात जो देवी के उपासक हैं, वैष्णव, जो विष्णु के अवतार रूपों की उपासना करते हैं, बौद्ध, नाथ, सिद्ध, ये आपस में विरोधी थे और इनके व्यवहार में अनेक विकृतियां आ चुकी थी। दूसरी ओर इस्लाम का प्रचार प्रसार हो रहा था, हिंदू धार्मिक आस्थाओं को ध्वस्त किया जा रहा था तथा वहां भी कट्टरता और अंधविश्वास का बोलबाला था, अर्थात धार्मिक परिस्थितियां पूरी तरह से विकृत हो चुकी थी। सामाजिक, समाज की दशा धर्म और राजनीति से प्रभावित होती है। उपर्युक्त परिस्थितियों में भारतीय समाज व जन सामान्य की स्थिति बहुत शोचनीय थी। वर्ण व्यवस्था में बुराइयां आ गई थी, छुआछूत, जाति पाति का बंटवारा चरमपंथ था। धर्म के स्वरूप में विकृति आ जाने के कारण सामान्य जन मानसिक और नैतिक स्तर पर काफी अपने को हीन महसूस कर रहा था, क्योंकि सारा परंपरागत ज्ञान संस्कृत में संचित था और आम जन की भाषा अपभ्रंश है। अपभ्रंश
संस्कृत से हिंदी तक की यात्रा में आने वाली एक भाषा है। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी, ये क्रम है। तो अपभ्रंश आमजन की भाषा थी और संस्कृत में सारा ज्ञान नहीं था जो सामान्य जन तक पहुंच नहीं पा रहा था। हिंदू सम्राटों के पतन के कारण यहाँ के शिक्षा के केंद्र नष्ट हो रहे थे। मुस्लिम शासन में संस्कृत के विद्वानों को कोई सम्मान नहीं मिलता था, तो उनका ज्ञान सीमित और बद्ध होकर रह गया था। और भारतीय स्त्रियों की स्थिति भी बहुत शोचनीय थी। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा और अशिक्षा ने इसे व्यक्तित्व शून्य बना दिया था। तो हमने राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियां देखी और ऐसे में कबीर हमारे सामने आते हैं। इस पृष्ठभूमि में कबीर का प्रखर व्यक्तित्व तो समाज में व्याप्त सभी तरह की बुराइयों के विरुद्ध विद्रोह के लिए तत्पर होता है। उन्होंने उस समय प्रचलित प्रायः सभी तरह की रूढ़ियों पर प्रश्न चिन्ह लगाए, आडंबर, पाखंड व वैमनस्य पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने उस समय की अनिवार्य आवश्यकता हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेश दिया। भक्ति में अद्वैतवादी निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना की अलग उन्होंने जगाई। कबीर, जैसा कि हमने जाना कि स्वयं बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, औपचारिक शिक्षा उन्होंने ग्रहण नहीं की थी, लेकिन साधु संगति के कारण अपने पूर्ववर्ती संतों के साहित्य का हस्तांतरण होते हुए आने के कारण उनके पास जो ज्ञान था वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बाह्य प्रभावों से भी प्रभावित था। तो अपभ्रंश का उनमें, उनके साहित्य में हम जिन प्रभावों को देख पाते हैं, अपभ्रंश का सिद्ध साहित्य सबसे पहले आता है। सिद्ध साहित्य की अनेक प्रवृत्तियां कबीर साहित्य में मिलती हैं, जैसे परंपरागत वर्ण व्यवस्था का विरोध, धर्म संप्रदायों के बाह्य पद्धतियों का खंडन, स्वानुभूति की वैयक्तिक शैली में व्यंजना, रूपक, उलटबांसियों और प्रतीकों का प्रयोग। मुक्तक पद शैली का इन्होंने सहारा लिया और सामान्य लोक भाषा का प्रयोग किया ताकि इनकी बात जन जन तक पहुंच सके। नाथ पंथ का प्रभाव इनके साहित्य पर दिखता है। उस समय जनता में नाथ पंथी योगियों के आश्चर्यजनक पद्धतियों और चमत्कार पूर्ण सिद्धियों का भारी प्रभाव था। कबीर ने इनके स्थान पर सहज योग की प्रतिष्ठा करने का प्रयास किया। उन्होंने इनके द्वारा प्रयुक्त इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, कुंडलिनी आदि की सहज व्याख्या करने का प्रयास किया, जिससे नाथ पंथियों का कुछ हद तक डराने वाला, हतप्रभ करने वाला और चमत्कारिक प्रभाव कम हो सके। वैष्णव भक्ति आंदोलन। कबीरदास जी के समय में रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य इत्यादि के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रवर्तन हो चुका था। कबीरदास ने अपने समय की आवश्यकतानुरूप वैष्णव भक्ति के अनेक तत्वों को ग्रहण किया है। नाम स्मरण में ईश्वर के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग तथा अद्वैतवाद का अनुसरण करते हुए आत्मा और परमात्मा का अभेद कबीरदास जी ने माना है। भक्ति में प्रेम के साथ श्रद्धा के मेल से परमात्मा को श्रेष्ठ माना है, जो भारतीय परंपरा की देन है। आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे पॉइंट्स और आप इनको नोट करते चल सकते हैं, जो आपको अपने नोट्स बनाने में या अपने उत्तर तैयार करने में मदद देंगे। महाराष्ट्रीय संत संप्रदाय। 10वीं शताब्दी के अनंतर महाराष्ट्र प्रदेश में महानुभाव तथा वारकरी संत संप्रदाय का प्रवर्तन हुआ, जिसका कबीर पर प्रभाव परिलक्षित होता है। इनसे संबंधित अनेक विचार कबीर के साहित्य में हमको मिलते हैं, जैसे अद्वैत का समर्थन, गुरु महत्ता, मूर्ति पूजा पर व्यंग्य, जाति पाति का विरोध आदि। इन्होंने संत नामदेव, जो कि संत संप्रदाय के एक बहुत प्रतिष्ठित संत हुए हैं, उनका कुछ जगहों पर बड़े आदर के साथ स्मरण किया है। इस्लाम का प्रभाव। इस्लाम का प्रचार और प्रसार तब तक हो चुका था, तो कुछ विद्वान कबीर की निर्गुणोपासना, वर्ण व्यवस्था का विरोध और मूर्ति पूजा के विरोध आदि को इस्लाम का प्रभाव मानते हैं। जबकि हमने अभी पूर्व में ही ये देखा कि इस्लाम से पूर्व ही नाथपंथियों, सिद्धों और संतों ने हिंदू धर्म की अनेक व्यवस्थाओं का खंडन किया है। प्रायः खंडनात्मक पक्ष में ही कबीर ने इस्लाम की रीतियों और शब्दावली का प्रयोग किया है, मंडनात्मक में तो वे वैष्णव या हिंदू रीतियों का ही पालन करते हैं। सूफी मत का प्रभाव। आरंभ में विद्वानों ने कबीर को सूफी मत से प्रभावित माना है, पर इस विषय में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं। वैष्णव भक्ति आंदोलन के प्रेम तत्व का प्रभाव कबीर की अनेक रचनाओं में मिलता है। सूफी प्रेम समानता पर आधारित है और वैष्णव मत में भगवत प्रेम में श्रद्धा का भी मिश्रण है। सूफी मत का प्रभाव हालांकि हम पूरी तरह नकार नहीं सकते, उनके प्रेम की तन्मयता, प्रिय और प्रियतम वाला भाव, ये कहीं ना कहीं कबीर में हमको दिखाई देते हैं, लेकिन कबीर ने इसमें भी भारतीयता का पुट दे दिया है।
वो कहते हैं हरि मेरा पीव भाई हरि मेरा पीव। अब इन परिस्थितियों में हम कबीरदास जी की काव्यगत विशेषताओं को उनके कथ्य वैशिष्ट्य को देखते हैं। कबीरदास जी के साहित्य को नवीन चेतना से अनुप्राणित मानने वाले तथा उनके प्रतिपाद्य को नवीन प्रकाश में देखने दिखाने वाले हिंदी साहित्य के एक पुरोधा व्यक्तित्व आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके बारे में लिखा है, वे सिर से पैर तक मस्तमौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त के सामने निरीह, धूर्त भेषधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य और कर्म से वंदनीय थे। युगावतार की शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें थी, अतः वे युग प्रवर्तन कर सके। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उनकी रचनाओं का बहुत गहन अध्ययन करके उसमें निहित माधुर्य और सुकुमारता को ढूंढा है। उसके पहले कबीर के साहित्य को शुष्क, नीरस, रुक्ष ऐसा माना जाता था। युग प्रवर्तन की आवश्यकता वाली इस युग संधि में खड़े कबीर का साहित्य एक पक्षीय नहीं है, वरन उनके काव्य में ज्ञानी, भक्त, सुधारक व उपदेशक साथ साथ चलते हैं। जैसा कि हमने अभी इतनी इतनी देर पढ़ा तो उनके ऊपर जो प्रभाव पड़े हैं वे भी इसमें हमको दिखाई देते हैं। तो इस आलोक में हम उनकी काव्यगत विशेषताओं को देखेंगे। सबसे पहले बात हम करते हैं ज्ञान पक्ष की, क्योंकि वो निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। निर्गुण क्या होता है? तो निर्गुण को संस्कृत में कहा गया है अगोचर, अगम, अस्पृश्य। तो जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जिस तक हम पहुंच नहीं सकते हैं सामान्य जगत में, वो निर्गुण ब्रह्म है। कबीरदास जी ने ईश्वर या ब्रह्म के निराकार रूप की उपासना की है। उन्होंने स्वामी रामानंद से, जो वैष्णव भक्ति आंदोलन के प्रवर्तकों में से एक थे, राम नाम की दीक्षा अवश्य ली थी, पर कबीर के राम दशरथ पुत्र दुष्ट दलन रघुनाथ नहीं थे, उनके राम कुछ और ही थे। दशरथ सुत तिहुं लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इन्होंने निर्गुण राम जपहुरे भाई, नाम स्मरण पर ये बल देते हैं। अद्वैतवाद इनकी एक बहुत बड़ी खासियत है। उनकी राम भावना भारतीय ब्रह्मवाद या अद्वैतवाद के निकट है। इसमें शुद्ध आत्म तत्व का ही अस्तित्व है, उसी की सत्ता है। इसके अनुसार आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं है। यहाँ आत्मा भी परमात्मा है और जड़ जगत भी ब्रह्म स्वरूप है, अर्थात कण कण में वो ब्रह्म का निवास मानते हैं। और वो मानते हैं कि प्रत्येक वस्तु ईश का ही प्रकट स्वरूप है। अद्वैतवाद में एक परम तत्व से ही सबकी उत्पत्ति होती है और उसी में सब लीन हो जाते हैं। जैसे वो इस दोहे में बता रहे हैं, पाणी हीते हिम भया, हिम फै गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाई। अर्थात पानी से बर्फ बनती है और जब बर्फ पिघल जाती है तो वो पुनः पानी हो जाती है, उसमें बर्फ का कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसी प्रकार जीव जब ब्रह्म से अलग होता है तो ऐसा नहीं कि उसमें कोई दूसरा तत्व समाहित हो जाता है, वो ब्रह्म का ही एक अंश रहता है और उसके अंदर ब्रह्म उसी प्रकार निरंतर विद्यमान रहता है जिस प्रकार बर्फ में पानी, और जब वह समाप्त होता है तो पुनः ब्रह्म में निहित हो जाता है, समाहित हो जाता है। ब्रह्मवादियों के अनुसार जिस प्रकार एक छोटे से बीज में वटवृक्ष अंतर्निहित रहता है, वटवृक्ष अर्थात बरगद का पेड़, उसी प्रकार यह सृष्टि भी ब्रह्म में अंतर्निहित रहती है। कबीरदास जी कहते हैं, आप ही वृक्ष बीज अंकुरा, आप फूल फल छाया, और कहते हैं खालिक खलक, खलक में खालिक, सब जग रहे हो समाई। कबीरदास जी कुछ और उदाहरणों से इसको समझाते हैं। प्रतिबिंबवाद, प्रतिबिंब मतलब अपनी छाया जैसे दर्पण में दिखाई देती है। खंडित मूल विनाश कहो किस विगतः की जय, ज्यों जल में प्रतिबिंब त्यों सकल राम ही जानी जय। अर्थात जीव तथा ब्रह्म में खंड नहीं है, भेद नहीं है। जल में जैसे प्रतिबिंब दिखता है उसी प्रकार सब जीवों में राम का प्रतिबिंब मानो। वेदांत का कनक कुंडल न्याय भी कबीर अपनाते हैं। जैसे सोने से कुंडल बनता है और कुंडल पिघलने पर पुनः सोना हो जाता है, उसी प्रकार नाम रूपात्मक दृश्यों की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है और समापन भी उसी में होता है।
जैसे बहु कंचन के भूषण ये कही गाल तवा बहेंगे, ऐसे हम लोक वेद के बिछुरे सुन्नी ही माही समा बहेंगे। और भी कहते हैं वो, संसार ऐसा सुपिन जैसा जीवन सुपिन समाए। तो हम ये देखते हैं कि सभी प्रकार से कबीर परिवर्तनशील दृश्यों का अध्यारोप जिस अव्यय तत्व में करते हैं, जिस चिरंतन तत्व में करते हैं, वही वास्तव है, वही ब्रह्म है, बाकी सब स्वप्न समान भ्रांतिमान है। दुखवाद, कबीरदास जी के ज्ञान पक्ष में दुखवाद भी आता है। भगवान बुद्ध की भांति कबीर भी इस संसार को दुख का घर मानते हैं। दुनिया भांडा दुख का, भरी मुहामुह मूक, अदया अल्लाह राम की कुरहे उड़ी कुश। हमारे चारों ओर दुख विद्यमान है, ये तो हम अपने दिन प्रतिदिन जीवन में देखते हैं। कबीरदास जी भी इसको अनुभव करते हैं और फिर वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि यह दुख मायाकृत है, पर माया में लुटे हुए लोग दुख में पड़े होकर भी उसे समझ नहीं पाते तथा नश्वर सुखों की चाह में लगे रहते हैं। जो हमारे चारों ओर भौतिक आनंद है उसको वो सर्वोपरि मान लेते हैं, सभी कुछ मान लेते हैं। जिसने माया का आवरण हटा दिया है वह सत्य को जान लेता है। कबीर कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे अरुस होवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीर दास ने सत्य को पहचान लिया है तथा ब्रह्म से दूरी और संसार की नश्वरता पर वो रोते हैं। जिन्होंने इस माया के आवरण को हटाया नहीं है वे तो भौतिक संसाधनों को में ही अपना आनंद ढूंढ लेते हैं, लेकिन चूंकि कबीर दास जी ने सत्य जान लिया है कि यह संसार नश्वर है और हम ब्रह्म से बिछड़े हुए जीव हैं, तो वो रोते हैं। माया, माया के पांच पुत्र हम इन सब को देखते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये माया के पांच पुत्र बताए गए हैं। यही मनुष्य को अधः पतन की ओर ले जाते हैं, अतः ज्ञान के द्वारा सजग रहने की आवश्यकता होती है। कबीरदास जी कहते हैं, पंच चोर गढ़ मंझा, गढ़ लूटे दिवस अरु संझा, जो गढ़पति मोहकम होई तो लूट सके ना कोई। तो गढ़पति कौन है, जो जीव है। पांच चोर आपको बताया भी, गढ़ हमारा शरीर है और इसको वो पूरे दिन सुबह और शाम लूट रहे हैं, लेकिन अगर गणपति मोहकम है, अगर वो सजग है, तो फिर इसको माया अपने वश में नहीं कर सकती, कबीरदास जी कहते हैं। और वो ये कहते हैं कि माया से बचने के लिए संसार से विरक्त होना पड़ता है। तो कैसे, औंधा घड़ा न जल में डूबे, सुधा सुभर भरिया, जाको यह जग घिन कर चाले तो प्रसाद निस्तरिया। जैसे माया से अगर बचना है तो इसके भौतिक आनंदों से बचकर चलो, क्योंकि सीधे घड़े में पानी और औंधा घड़ा खाली रहता है। तो वो कह रहे हैं कि आप माया से अगर बचना है तो अपने आप को उल्टे खड़े घड़े की तरह लेकर चलो, ताकि इसके जो भौतिक जो माया, मोह, लोभ, मद, मत्सर है, वो आपको अपने में, अपने वश में न कर पाए। माया का दूसरा नाम अज्ञान है। कबीर कहते हैं कि आत्मा रूपी दर्पण पर माया रूपी काई लगती है तो परमात्मा का दर्शन दुर्लभ हो जाता है, अतः दर्पण को मांझते रहना चाहिए। जो दर्पण देखा चाहिए तो दर्पण मंजत रहिए, जब दर्पण लागे काई तब दर्शन किया ना जाइए। गुरु की महिमा, इस अज्ञान रूपी माया तथा भ्रांतिमान जगत की सत्ता को तोड़कर परम तत्व की भक्ति बताने वाले सद्गुरु का स्थान कबीर सर्वोपरि मानते हैं। गुरु की महिमा अनंत है, जो उन्होंने ज्ञान चक्षु खोलकर ईश्वर के दर्शन करा दिए। और कबीर के इस तत्व को तो हम सब बचपन से सुनते, पढ़ते और जानते आ रहे हैं। ये दोहे भी आपके लिए बहुत परिचित है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। और वो कहते हैं, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। कबीरदास के काव्य में हठ योग और सांख्यिक का दर्शन भी मिलता है, मतलब उन्होंने अपने समय में प्रचलित लगभग सभी पद्धतियों को अपने काव्य में अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया था। और ये एक बहुत सुंदर चित्र है जिसमें बहुत माधुर्य हमको दिखाई देता है। हठ योगी का समाधिस्थ चित्रण कितना सुंदर वो करते हैं, रस गगन गुहा में अजर झरे, बिन बाजा झंकार उठे जहां, समुझी परे तब ध्यान धरे, जहां रस गगन गुहा में अजर झरे। इस पूरे पद में अंत में पंक्ति है, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अमर होए कबहू न मरे, रस गगन गुहा में अजर झरे।
तो हमने अभी ज्ञान पक्ष देखा जिसमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना है, जिसमें अद्वैतवाद है, जिसमें माया है, दुखवाद है और गुरु की महिमा है। अब हम आते हैं उनके भक्ति भावना पर। कबीरदास जी ने ज्ञानियों की ब्रह्म जिज्ञासा और वैष्णवों की सगुण भक्ति की विशेष विशेष बातों को लेकर अपने निर्गुण भक्ति का प्रतिपादन किया था। वे समझते थे कि निर्गुण ब्रह्म का ध्यान तो किया जा सकता है, क्योंकि हमने आपको बताया कि वो अगम है, अगोचर है, अस्पृश्य है, तो उसका ध्यान तो कर सकते हैं, पर सामान्य जन की श्रद्धा के लिए, सेवा प्रेम के लिए नाम रूप चाहिए, अतः वे उचित मार्ग ग्रहण करते हैं। ध्यान करना बहुत कठिन काम है, ध्यानियों, योगियों, तपस्वियों के लिए वो संभव है, सहज लोग भी कुछ कर पाते हैं, मगर उसके लिए हमको अंग्रेजी में अगर कहें तो बहुत फोकस होना पड़ता है। कबीरदास जी कहते हैं, उचित चेती चंत लहता ही, जा चंत आपा पर नाही, हर हृदय एक ज्ञान उपाया, ताते छूटी गई सब माया। कबीरदास जी की भक्ति भावना की विशेषताएं हम देखते हैं तो वो निम्नानुसार है। सबसे पहले अवतारों का उल्लेख उसमें मिलता है, क्योंकि पहले भी हमने बताया कि वो वैष्णव आंदोलन से प्रभावित थे। भजी नारदादि सुरादि वंदित पंकज भामिनी, ओहि पुरुष देवादि देव भगत हेत नरसिंह भेष। कबीर मानते हैं कि भगवत भक्ति ही माया पाश में बंधे हुए जीव का उद्धार कर सकती है। भाव भगत विश्वास बिनु कटे न संशय मूल, कहे कबीर हरि भगत बिनु मुक्ति नहीं रे भूल। तो अगर मुक्ति चाहिए आवागमन के इस चक्र से, हमें मोक्ष प्राप्त करना है, तो हमें बहुत श्रद्धा पूर्वक विश्वास करना पड़ेगा ईश्वर के, ईश्वर रूपी तत्व पर, और हमें उसकी भक्ति करनी पड़ेगी। नवता भक्ति जो वैष्णव भक्ति का एक प्रमुख अंग है, उसके कुछ तत्व कबीर काव्य में हमको स्पष्ट मिलते हैं। नाम स्मरण, श्रवण, कीर्तन, पदवंदन, पद सेवन, अर्चना, दास्य और सख्य इसके अंग हैं। इनमें से कबीर नाम स्मरण पर विशेष बल देते हैं, और सब भी मिलते हैं, पर यहाँ हमने अभी नाम स्मरण की बात करी है। माला तो कर्मे फिरे जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दस दिशा फिरे सो तो सुमिरन नाही। और कबीर कहते हैं, मेरा मन सुमिर राम को मेरा मन राम ही आही, अब मन राम ही है न रहा, शीस नवावम काही। कबीर के काव्य में आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण बहुत जरूरी है। तू तो करता तू भया मुझ में रही न हूं, वारी फेरी बली गई जित देखू तित तू। शरणागत, पूरी तरह शरण में आ गए हैं। कहते हैं, माधव कब करियो दाया, काम क्रोध अहंकार छूटे न माया। सहज प्रेम भक्ति, और वो कहते हैं कि सहज प्रेम भक्ति ही आपको ईश्वर की ओर ले जाती है। अब हरि अपनी हूं कर लीनो, प्रेम भगति मेरो मन भीनो। तो कह रहे, मैं तो प्रेम और भक्ति के वश में हो गया हूँ, अब राम आपको अपनी शरण में मुझको जैसे लेना हो आप मुझको ले सकते हैं। माधुर्य भाव, कबीर परमात्मा को प्रिय पति तथा आत्मा को विरहिणी प्रिया मानते हैं। आत्मा विरह में व्याकुल रहती है, उसे दिन और रात्रि जागने और स्वप्न में कहीं भी चैन नहीं मिलता। वासर सुख न रहने सुख, ना सुख सपने माही, कबीर बिछुड़िया राम सू ना सुख धूप न छाही। कबीर के अनुसार यह प्रेम मनुष्य जाति या ईश्वर मात्र से नहीं करना, वरन सभी जीवों से करना होता है। वे बुद्ध के अहिंसावाद से बहुत प्रभावित थे, उसके समर्थक थे। यहाँ भी वे गुरु की महत्ता बताते हैं, क्योंकि प्रेम के सही स्वरूप को जानने में भी गुरु का साथ अति आवश्यक है। कबीर कहते हैं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दोना समाही। अपने को मिटाकर ही गुरु कृपा पाई जा सकती है, क्योंकि ईश्वर के प्रेम की गली अति सक्री है। कबीर प्रेम में अपने अहंकार को त्यागने को कहते हैं। वो कहते हैं, कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर नाही, शीस उतारे भूई धरे तो पैसे घर माही। भक्ति भावना के तत्वों को देखने के पश्चात अब हम बात करते हैं कबीरदास जी के समाज सुधारक रूप के, उपदेशक तत्व के। हमने देखा कि उस समय आडंबर, पाखंड, वैमनस्य, बाह्याचार, विकृतियां, ये सभी सभी तरह के समाज में को इन्होंने घेर रखा था, तो जन सामान्य बहुत दिग्भ्रमित था, उसकी स्थिति बहुत शोचनीय थी।
तो कबीर दास जी ने एक तरफ जो बुराइयां थी, जो विकृतियां थी उनके खंडनात्मक पक्ष से, और जो उचित था उसके मंडनात्मक पक्ष से समाज सुधार की बात कही, उन्होंने उपदेश दिए। सबसे पहले बात करते हैं मूर्ति पूजा और बाह्याचारों की। कबीरदास जी निर्गुण राम को जपने तथा सहज भक्ति की बात तो करते हैं, पर हिंदुओं की मूर्ति पूजा का वे कड़ा विरोध करते हैं। कहते हैं, पाहन पूजे तो हरि मिले, तो मैं पूजू पहार, ताते यह चाकी भली, पी सिखाए संसार। और मुसलमानों को भी नमाज अजान आदि के लिए फटकारते हैं। कहते हैं, काकर पाथर जोरी कर मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांध दे, बहरा हुआ खुदाए। जाति पाति का विरोध। कबीर में हिंदू वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध तीखा आक्रोश है। उन्होंने अपने जीवन में स्वयं बहुत सारी इस तरह की कठिनाइयों का सामना किया, अपमान उन्होंने झेला था, और वो देख रहे थे कि जाति पाति का जो वर्ण व्यवस्था है उसके कारण सामान्य जन कितना परेशान है, कितनी कठिनाइयों का सामना करता है। वो कहते हैं, काहे की कीजे पंडित छोत विचारा, छोते ही से उत्पन्ना संसारा, हमारे कैसे लोहू तुम्हारे कैसे दूध, तुम कैसे ब्राह्मण पांडे हम कैसे सूद। हिंदू मुसलमानों के बीच भेद भी उन्हें सही नहीं है। कोई जन्म से ही हिंदू मुसलमान या शूद्र नहीं होता, उनके जन्म की कथा स्वयं इसका प्रमाण है। वे कहते हैं, जो तू बामन बम्भिनी जाया, आन बाट भय क्यों नहीं आया, जो तू तुरक तुरकनी जाया, तो भीतर खतना क्यों न कराया। बाह्य आडम्बरों और पाखंड का विरोध। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश प्राप्ति के लिए मन पवित्र होना चाहिए, और जीव हत्या परम पाप है उनकी दृष्टि में। हिंदुओं के प्रति वो कहते हैं, वैष्णव भया तो क्या भया, बूझा नहीं विवेक, छापा तिलक बनाई करी दगध्या लोग अनेक। और मुस्लिमों के प्रति उनका कथन है, काजी मुल्ला भ्रमिया चला दुनी के साथ, दिल से दीन विसारिया करद लई जब हाथ। समन्वयवाद उस समय की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अलग जगाना उनका एक बहुत बड़ा अवदान है। उनका मत है कि दोनों धर्मों में भेद नहीं है, आचार व्यवहार में भेद है, ईश्वर या अल्लाह तो एक ही है। दिल में खोजी दिल ही माँ खोजो, यह है करीमा रामा। और वो कहते हैं, भैरे दुई जगदीश कहाँ से आया, कहू कौने बार आया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। तो ये भिन्न भिन्न उनके नाम है, ईश्वर या अल्लाह तो एक ही तत्व है। कबीरदास जी के काव्य में रहस्यवाद एक उनका बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि साधना के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। कबीर रहस्यवादी कवि हैं, और उन्होंने इस संसार के प्रवर्तन, यहाँ के जड़ जगत, जीव और ब्रह्म के संबंध, जगत की नश्वरता और सच्चाई, इसको रहस्यवाद के रूप में प्रस्तुत किया है। रहस्यवाद के मूल में अज्ञात शक्ति के प्रति जिज्ञासा काम करती है। कुछ सिद्धों ने जब इसे जाना तो वे इसके अगूढ़ सत्य और अनिर्वचनीय रूप में ऐसे मुग्ध हुए कि इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाए। ये संसार कैसे चलता है, इसका होना क्यों है, और इसके पश्चात क्या होता है, ये अज्ञात शक्ति के प्रति मनुष्य की जिज्ञासा है। कबीरदास जी ने भी इसे अनुभूत किया पर व्यक्त नहीं कर पाए। वो कहते हैं, अकत कहानी प्रेम की कछु कही ना जाए, मूंगा केरी सरकरा जो खाए मुस्काए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो प्रेम है ये उस ब्रह्म के प्रति प्रेम है, और जिस प्रकार कोई बोल नहीं सकने वाला व्यक्ति जब कुछ मीठा खाता है या शक्कर खाता है तो वो उसकी मिठास को अनुभूत तो करता है, पर चूंकि बता नहीं पा रहा तो वो मुस्कुराता है, अर्थात तो उसको वो अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार जो इस ब्रह्म का साक्षात कर लेते हैं या इस सच्चाई को जान लेते हैं, उस शक्ति के बारे में जान लेते हैं, वे सिर्फ मुस्कुराते रह जाते हैं, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। परमात्मा को पिता माता पुत्र प्रियतम के रूप में देखना रहस्यवादी ही है, क्योंकि वास्तव में लौकिक अर्थ में परमात्मा इनमें से कुछ नहीं है। पितृत्व की यह भावना ऋग्वेद में भी मिलती है, यो न पिता जनिता यो विधाता। वेदों में परमात्मा को माता भी कहा गया है, त्वम ही न पिता वसो त्वम माता शक्तो बभूवि हो। कबीर भी कहते हैं, बाप राम राया अब हूँ सरन तिहारी, और कहते हैं, हरि जननी मैं बालक तोरा।
भारतीय रहस्यवाद की विशेषता सर्वात्ममूलक होने में है, जो भारतीयों की ब्रह्म जिज्ञासा का फल है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि जिज्ञासु जब ज्ञानी की कोटि में पहुंचकर कभी भी होना चाहता है, तब वह इसी रहस्यवाद की ओर झुकता है। सर्वात्मवादी कवि परमात्मा के साथ सारी सृष्टि का अखंड संबंध देखता है। सर्वात्मवादी रहस्यवाद में परमात्मा की प्रियतम के रूप में भावना की जाती है। कबीर के काव्य में हम इसमें दाम्पत्य भाव की उद्भावना देखते हैं। कहे कबीर मोहि ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी, या सखी सुहाग राम मोहि दीना। रहस्यवाद की तीन अवस्थाएं होती हैं, जिज्ञासा की अवस्था, परिचय की अवस्था, मिलन की अवस्था। सबसे पहले जिज्ञासा की अवस्था हम देखते हैं कि जीव पहले उस परम तत्व को जानना चाहता है, और यह जिज्ञासा कैसे आती है, क्योंकि मनुष्य तो भ्रमित है, तो ये जिज्ञासा गुरु जगाते हैं और उसको मार्ग दिखाते हैं। सतगुरु हमसो रीचि कर एक कहया प्रसंग, बरचा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। दूसरी अवस्था आती है परिचय की अवस्था। ये रहस्यवाद की दूसरी अवस्था है। परिचय की अवस्था में कबीर अपने प्रिय को अनुपम सौंदर्य से मंडित देखते हैं। पहले जिज्ञासा है कि वो तत्व है क्या, ये ब्रह्म है क्या, वो शक्ति है क्या, और फिर जब परिचय होता है तो उसका जो स्वरूप दिखाई देता है उससे भक्त कितना आह्लादित होता है। ये निम्न पंक्तियों में है। कबीर देखा एक अगम महिमा कहीं न जाए, तेज पुंज पारस धनी नैन निरहा समाए। परब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। फिर मिलन की अवस्था आती है। इस अवस्था में मैं और तू समाप्त हो जाता है, सर्वत्र वही एक तत्व दिखाई देता है। इस अवस्था में विरहिन पहले मिलन हेतु व्याकुल हो जाती है। ये मिलन आसान नहीं है, इसके लिए आपको ईश्वर के प्रति व्याकुल होना पड़ता है। उसको पाने के लिए आपको विरह की अग्नि में जलना पड़ता है। मन का भ्रम मनहित है भागा, सहज रूप हरि खेलन लगा। ईश्वर का सहज रूप दिखाई दे गया। तन मन मन तन एक समान, कहे कबीर हर माही समान। और कहते हैं, बिरहिन उठे भय पड़े दर्शन कारण राम, मुवा पीछे देहुगे सो दर्शन किस काम। तो बिरहिनी व्याकुल होकर अपने ब्रह्म को, अपने प्रिय को पाना चाहती है, उसके दर्शन देखना चाहती है, मिल नहीं रहा है, तो वो उलाहना देती है। वो कहती है कि विरहीन इतनी व्याकुल है और तुम दर्शन नहीं दे रहे हो, तो क्या मृत्यु के पश्चात दोगे, तो इस तरह का दर्शन किस काम का है। अर्थात वो जागृत अवस्था में ही अपने प्रिय से मिलना चाहती है। कभी कहती है, यह तन जालो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखनी करो करंक की, लिखी लिखी राम पठाऊं। कबीर लोक कवि थे, जन के कवि थे, तो लोक रूप जो है उनको भी वो, उन्होंने लोक धुने जो है उनका भी प्रयोग किया है। वो कहते हैं, नहीं हरवा हमका नहीं भावे, साईं की नगरी परम अति सुंदर, जहां कोई ना जावे, चांद सूरज जहां पवन न पानी, को संदेश सुनावे, दरत यह साईं को सुनावे। फिर मिलन की अवस्था पूर्ण होती है और अद्भुत रस व्यंजना होती है। ये अखियां अलसानी पिया हो सेज चली, खम्भ पकड़ी पतंग अस डोले, बोले मधुरी पानी। पद लंबा है, इसकी अंतिम पंक्ति हम दे रहे हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, लोक लाज बिसरानी। जब प्रिय जीव ब्रह्म का साक्षात कर लेता है और उसके साथ एकाकार हो जाता है, तो उसे समाज की, उसे अपने आसपास की चिंता नहीं रह जाती। और कहते हैं, बीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन, आरती साज के चली है सुहागन, अपने पिया को ढूंढन। कबीर का रहस्यवाद केवल माधुर्य भाव तक ही सीमित नहीं है, वो प्रकृति में भी इसको ढूंढते हैं। उनकी अन्योक्तियां बहुत मोहक हैं। ये बहुत प्रचलित एक उनका पद है, काहेरी नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। उद्यानी की भाषा, मतलब बाग बगीचों में जो माली लोग काम करते हैं, उस भाषा में जीवन की नश्वरता का कितना प्रभावशाली चित्रण कबीर कर रहे हैं। वो कहते हैं, मालिन आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल ही हमारी बारी। मालिन काल है, कलियन जो युवा है, जो कम आयु के लोग हैं, और फूले फूले चुन लिए जो वय को प्राप्त लोग हैं,
आने वाला कल हमारा है, हमारी नश्वरता का चिन्ह है, ये यहाँ पर बता रहे हैं। कबीर कहते हैं, बाढ़ी आवत देखकर तरिवर डोलन लागे, हम कटे की कछु नहीं पंखेरु घर भागे। तो यहाँ पर पंखेरु जो है वो आत्मा है, और वो कहते हैं कि जब काल अपने ग्रास में हमें डसने के लिए आएगा तो हमारा शरीर तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन हे आत्मा तुम उस ब्रह्म की ओर चले जाओ। उलटबासियां, नाम सुना है उलटबासियां आप लोगों ने? जब कोई उल्टी बात कहता है तो आपस में भी हम बोलते हैं कि कैसी उल्टी बासी में आप बात कर रहे हो। तो ये वास्तव में उलटबासियां हैं क्या, यहाँ हम इनको देखते हैं। कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबर भीजे पानी, कुछ उल्टा है इसमें, बरसे कंबर भीजे पानी। तो कबीर दास के रहस्यवाद की एक अनूठी छवि उनकी उलटबासियों में दिखाई देती है। उनकी उलटबासियां हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखती हैं। वास्तव में ऐसी उक्तियां जो देखने में बिल्कुल उल्टी लगती हैं, पर उनमें कुछ विशेष सांकेतिक शब्दों, प्रतीकों व रूपकों के द्वारा विशिष्ट अर्थ निहित होते हैं, उलटबासी कहलाती हैं। कबीर की उलटबासियां योगियों और सिद्धों से प्रभावित हैं, क्योंकि योगियों की रहन सहन पद्धति लोक से उल्टी थी, या यूं कहें कि लोक की रीति उन्हें उल्टी लगती थी, तो उन्होंने अपने जो विचार व्यक्त किए वे उलटबासी कहलाए। अर्थात जहां लोक के अर्थ का ढांचा चरमरा जाए, जिसको सामान्य जन सही समझता है वो अर्थ उसमें बिल्कुल भी फिट न बैठे, अर्थ संरचना उसके विरोध में खड़ी हो, वहां उलटबासी होती है। इसका अर्थ उल्टी सुगंध, उल्टी रीत या रहन सहन भी होता है। ये एक उदाहरण है, थोड़ा बड़ा सा है, आप इसको देख लें। एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुर लागा पाई, जल की मछली तरु पर ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई, बैला ही डारी गूनी घर आई, कूता कू ले गई बिलाई, तल करी साखा उपरी कर मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल, कहे कबीरिया पदकू बूझे, ताकू तीनू त्रिभुवन सूझे। तो इसमें नीचे उसके पूरे शब्द दिए हुए हैं। सिंह और गाय का संबंध है शिकार और शिकार करने वाले का, पर यहाँ उल्टी बात कबीर कह रहे हैं कि सिंह खड़े होकर गाय को चरा रहा है। तो जो सिंह है वो ज्ञान है और गाय जो है वो इंद्रियां हैं। पहले पूत पीछे भई माई, तो पहले ज्ञान पैदा हुआ और ज्ञान ने उस माया को दूर किया। चेला चित्त है, गुरु मन है, जल माया है, मछली वृत्ति है, बिलाई बिल्ली है जो दुर्गति है, ज्ञान मुर्गे ज्ञानी है, बैलही मन है, गुनी वासना है, घर परमात्मा विमुख अर्थात ईश्वर की ओर देखना, कूता काल है, बिलाई विलीन हो जाना, शाखा इंद्रियां, मूल आत्मा, फूल भाव भक्ति। तो इस प्रकार विरोध मूलक शब्दों से वास्तविक अर्थ की प्रतीति कराई जाती है। हमने अभी तक कबीरदास जी के काव्य के इन पक्षों को देखा, ज्ञान देखा, भक्ति और समाज सुधारक रूप को देखा, उनका रहस्यवाद बहुत विशिष्ट है और उलट बांसियां उनकी विशेषताएं हैं। कला पक्ष में संक्षेप में थोड़ा बात कर लेते हैं। उनकी भाषा, जैसा कि हम जानते हैं कि मिली जुली सधुक्कड़ी भाषा है, पंचमेल खिचड़ी इसको कहा जाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली की भूमिका में कहा है कि कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है, क्योंकि वह खिचड़ी है। कबीर की रचनाओं में कई भाषाओं के शब्द मिलते हैं, परंतु भाषा का निर्णय अधिकतर शब्दों पर निर्भर नहीं है। भाषा के आधार क्रियापद, संयोजक और कारक चिन्ह है, जो वाक्य विन्यास की विशेषताओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनकी बोली में खड़ी बोली, ब्रज, अवधि, राजस्थानी, काफी हद तक पंजाबी, अरबी और फारसी सभी का प्रभाव हमको दिखाई देता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने कबीर की भाषा के लिए कहा है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे, जिस बात को जिस रूप में उन्होंने प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में भाषा में कहलवा लिया है। बन गया तो सीधे सीधे,
नहीं तो डरे न देकर, अर्थात उन्होंने काव्य रूप की भाषा के रूप की चिंता नहीं करी, उनको जो शब्द अपनी अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त लगा उन्होंने उसको वहां से ले लिया है। कबीरदास जी के कलात्मक सौंदर्य के बारे में भी हजारी प्रसाद जी कहते हैं कि कबीर ने कहीं काव्य लिखने की प्रतिज्ञा नहीं की है, क्योंकि वे मूलतः संत, साधक, समाज सुधारक और उपदेशक कवि हैं। वो काव्य के लिए, काव्य रचना के लिए काव्य नहीं लिखते, वरन अपने इन भावों को अभिव्यक्त करने के लिए काव्य रूप में अपनी अभिव्यक्तियां करते हैं। तो कह रहे हैं कि कबीर ने कहीं काव्य लिखने की प्रतिज्ञा नहीं की, तथापि उनके आध्यात्मिक रस की गगरी से छलके हुए काव्य की कटोरी में भी कमरस इकट्ठा नहीं हुआ है। एक दो उदाहरण हम देखते हैं। माधुर्य भाव दिखता है, ऋतु फागुन निरानी हो कोई पिया से मिला, मन में मोहन बीठुला यह मन लागो तो हिरे, चरण कवल मनमानिया और न भावे मोहिरे। शांत रस दिखता है, ये या में क्या मेरा क्या तेरा, लाज न मरही कहत घर मेरा, आवद राम करे सब कर्म, आवद राम सबै कर्म करहिं, सहज समाज न जमथे डरहिं। व्योगशृंगार, चकवी बिछुटी रैणी की आई मिली परभाती, जो जन बिछुड़े राम सु ते दिन मिले न राती। संयोग श्रृंगार, दुलहिनी गावो मंगलचार, मोरे घर आए हो राजा राम भरतार। वीररस भी दिखाई देता है, गगन दमामा बाजिया पड़िया निशाने घाव, खेत बुहारिया सूरी मुझ मरने का चा। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि कबीरदास जी के काव्य में निहित जो विशेषताएं थी उनको हमने क्रमबद्ध तरीके से देखने का प्रयास किया है, और अंत में ये हमने एक चित्र दिया है जो उनके ज्ञान, सातों चक्र मनुष्य के शरीर में निहित होते हैं और वो मूलाधार से लेकर सहस्रार तक जाते हैं। साधना के द्वारा, प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा वो ये चाहते हैं कि ये सातों चक्रों को मनुष्य जागृत करे और ब्रह्म से इसका मेल हो जाए। तो आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अति शीघ्र अगर आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कर सकते हैं, समय समाप्त हो रहा है। एक दो प्रश्न तो कर, यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं आप तो, या पुनरावृत्ति के तौर पर हम अगर पूछें आपसे तो आप उत्तर हमें दे दें जल्दी से, तो एक पुनरावृत्ति हो जाएगी। कोई बताएगा छिंदवाड़ा कॉलेज में, छिंदवाड़ा कॉलेज से मैं, कबीरदास जी के गुरु का नाम आप बता सकते हैं, कोई छात्र अगर बताना चाहे। रामानंद, गुरु रामानंद, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मगहर में निधन के समय वे क्यों चले गए थे? कबीरदास जीवन भर बनारस में रहे पर अंत में वे मगहर चले गए, क्यों? कोई बताएगा? विदिशा कॉलेज, मैम, पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से। मैम, वे काशी में रह रहे थे लेकिन उन्होंने धार्मिक रूढ़ियों को, इनके निवारण के लिए उन्होंने कहा कि काशी में ही मुक्ति नहीं मिलती है, इसलिए वे अपने जन्म स्थान पर वापस लौट गए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जन्म स्थान मगहर था या नहीं इस पे तो अभी थोड़ा सा भ्रम है, लेकिन हाँ, मगहर वो गए अवश्य इसलिए थे क्योंकि वो ये जानते थे कि ईश्वर का वास सर्वत्र है, और कबीर ने जिन रूढ़ियों का जीवन भर खंडन किया, यदि वो उन पर पूरी तरह विश्वास करते थे तो ये उनके लिए आवश्यकता थी। आप अपना नाम बताएंगे कृपया? अंकुश साहू। अंकुश साहू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और प्रश्न हम पूछना चाहते हैं कि तत्कालीन प्रचलित किस हिंदू मत के लिए कबीर के मन में आदर था? खरगोन कॉलेज, आपने पूरा व्याख्यान सुना है? मैम, अंकुश साहू पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से, वैष्णव मत के लिए उनके मन में आदर था। वैष्णव मत के लिए उनके मन में आदर था, ठीक है। अंकुश, आप बहुत गहनता से पढ़ते हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, और ना आगे पढ़ते रहिए क्योंकि विषय को पूरी तरह समझने के लिए उस पर फोकस करना बहुत जरूरी होता है। कोई प्रश्न?
आचार्य शुक्ल के द्वारा हम पूछते हैं ताकि जल्दी से कुछ पुनरावृत्ति हो जाए। आचार्य शुक्ल के अनुसार साधना का अद्वैत भाव साहित्य में क्या है? बैतूल मुल्ताई कॉलेज। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दूरस्थ कॉलेजेस में जो छात्र उपस्थित हैं, जिन्होंने हमारे व्याख्यान को सुना, और मुझे आशा है कि आपके विस्तृत नोट्स तैयार करने में इस व्याख्यान से आपको मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।